चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमात आपण पाहिली, चांगली बॅटिंग बघायला मिळाली आपल्याला. हा, चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. सॉरी, एक जबरदस्त गोलंदाज, हार्ड हिटर गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळाला. चांगलं कमबॅक केलं आणि ज्यावेळी संघ अडचणीत होता अशा वेळी त्याने जबरदस्त कामगिरी केली आणि त्याला आपण इथे शुभ सन्मानित करतोय. कशी नजर देडकी यांच्याकडे वळतोय. संघ थोडा अडचणीत आहे, परंतु सामना तुमच्यासारखा दमदार होईल आणि स्पर्धा सुद्धा तुमच्यासारखी दमदार आहे, काय म्हणाल? स्पर्धेचं खूप आयोजन खूप चांगलं आहे मनापासून. आता 3 दिवस झाले मी इथेच आहे, माझा स्वतः संघ खेळतो आहे, थोडासा बॅकफुटर आहे, पण लास्ट मॅच आहे, बघू आता कसं होईल ते. संघाला शुभेच्छा देऊया, वळूया मॅचकडे, ऑन गोईंग मॅचकडे. जिथे आपले समवेत आहेत ते म्हणजे आमचे बाबूशा. तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ, और आखिरी मैच देखिए. अगर आज हम शाम से, यहाँ पर सुबह का वक्त देखिए आने लग चुका है, सुबह 5 से पहले तय कर लेगी सिबा दलवी क्या यहाँ पर लेकर और 2 टीम को डूबेंगे, या सिबा दलवी बाहर होने के साथ क्या बाकी 2 टीम का रास्ता आसान हो जाएगा. तो देखेंगे, अभी ये मैच बहुत कुछ बताकर जाएगा, पाने के लिए कुछ नहीं मोहित कंस्ट्रक्शन टीम के लिए, लेकिन इस मैच में पानी फेरने के लिए मुरुगढ़ देखिए बात करेंगे, बांधखोरे टीम के लिए बहुत कुछ बचाए. आक्रामक कप्तानी कर रहे हैं सिबा दलवी, बात करेंगे खास करके इस मैचेस में, जानते हैं ये मैच इनके लिए डू और डाई के जैसे मुकाबला है, आखिरी समय आखिरी खंड का एक रोमांचक मुकाबला. शुरुआत से बांध कर रखे यहां पर, रन देने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं. और पिछले मैच में हमने देखे सिबा दलवी के आउट होने के बाद है, बड़ा टोटल के पीछे ये टीम को पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर रन कहीं 50 के ऊपर पहुंच गए तो फिर मुश्किल में ला सकते हैं, लेकिन 50 के अंदर अगर रोक लिए फिर सिबा दलवी टीम खुश रहेंगे. और इस मैच में देखिए सब कुछ लुटा रहे हैं, देखिए बहुत वक्त लेने का कोशिश किया जा रहा है, समय जाएगा खास करके. गेंदबाज फिर एक बार तैयार, अजीत बड़े रनअप के साथ बैकफुट से जाकर गेंद को खेला गया, फील्डर है गेंद के नीचे, ओ कैच नहीं ले सके, यहां पर छोटी छोटी गलती हो रही है,
जिसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं अपना। सौरभ देखिए अभी तक दो डॉट गेंद खेले हैं, एक सिंगल निकाले और राज एक डॉट के बाद सिंगल ओपी खेलते हुए, देखते हैं ये जोड़ी कितना रहेगा खास। मैच देखते हैं यहां से, कुछ दर्शकों का निगाहें नजरे देखिए इस मैच के ऊपर। और एक बार देखिए इस बार गेंद को खेल दिया गया पर बाउंड्री लगभग देखिए बचाने की कोशिश है। और ये इनिंग देखिए बात करेंगे खास करके आखिरी इनिंग मेरे लिए आखिरी टर्न यहाँ से रहेगा। नीलेश नाइक सर उनकी भी काबिल तारीफ देखिए, एक अच्छे नेक दिल एक सच्चे इंसान। और उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे आज दिनेश यादव सर का भी अच्छा साथ मिला और पूरी सुधागढ़ प्रीमियर लीग के देखिए जो मैनेजमेंट उनके और दर्जे टीम सभी का तहदिल से शुक्रिया। रोशन दादा वालगुड़े देखिए बात करेंगे, ऑर्केस्ट्रा सिंगर उनका भी तहदिल से शुक्रिया। प्रणीत कड़ू देखिए और यहाँ पर देखिए बैटर रनआउट के रूप में और सुपर टेनिस क्रिकेट इनकी भी तारीफ। स्वराज डीजे डीजे वाले का भी तारीफ करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम रहा यहाँ पर। और जो क्राउड दर्शक देखिए आखिरी तक हैं उनका भी तहदिल से तारीफ। तीनों अंपायर भी देखिए हमारे जेपी पैनल से लाजवाब है, कुणाल पेनकर सर बदलापुर। कुणाल पेनकर सर बात करेंगे ना जो अंपायरिंग कर रहे हैं स्क्वायर लेग अंपायर, इतनी अच्छी गेंदबाज है मुझे भी पता नहीं था। पिछले टूर्नामेंट बदलापुर में मैंने इनकी गेंदबाजी देखा, काबिले तारीफ बदलापुर गांव के लिए। देखिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं कुणाल पेनकर सर जो अभी इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर हैं। उनके साथ देखिए हेमंत सर अमर सर बहुत बढ़िया, देखिए अपना मेहनत को यहाँ पर रंग में बदलते हुए। और शायद पिछले दो रातों से तसीब रखे यहाँ पर, वीआईपी रूम उन्हें दिया गया है, ठंडा ठंडा कुलकुल ऐसे दोपहर का एक हवा खाने के साथ है। और बहुत देखिए घातक गेंदबाजी यहाँ पर है, सिबा तलबी देखिए क्या जाल बिछा रहे हैं यहाँ पर, जानते हैं मैच है उनके लिए कितना बड़ा है। कहते हैं ना डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। और सिबा तलबी पिछले मैच में हारे शायद है, फिर से वापस डाली पर फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद एक डाल रहे हैं। तीन टीम फंस जाएंगे, लगभग क्वालिफाई खेला जाएगा ये। चलिए भाई जाल में फंसा दिए, दूसरा विकेट यहां से गिरता हुआ, गेंदबाज सूरज को मिलता हुआ सफलता। चलते हैं डीजे सूरज के पास। गेंद में यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना सब पी गई मिला के पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सिबा दलवी इस मैच में पूरी जान डाल रहे हैं, गेंदबाज को मोटिवेशन दे रहे हैं, अपने फील्डर को भी लगातार हर बैटर के ऊपर देखिए बदलाव किया जा रहे हैं। और यहाँ पर बैटर न्यू बैटर अनिल कोहली देखिए बात करेंगे सिबा के करीब और देखते हैं मैच को कहां लेकर जाएंगे ये।
शायद मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर मोहित कंटक सेंट्री में ये ज्यादा दिलचस्प रहेंगे उन्हें इस मैच में, क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेंगे। संघर्ष करना चाहेंगे, अगर मैच हारे तो आगे की दो टीम फंस जाएंगे फिर से। और ये चलिए दूर से खेलने का कोशिश, अनिल कोहली का मैं कहूंगा पिछली मैचेस से कुछ बल्ला नहीं चलना, शायद सिवा दलवी के लिए बेनिफिट फायदा मिल सकता है, उनका बल्ला थोड़ा शांत है, अगर इनका बल्ला चला तो फिर उम्मीद सपना के पर पानी फेर सकता है। एकमात्र ही खिलाड़ी है कुछ खलल डाल सकता है, क्योंकि शुरुआत के देखिए दो बैटर्स यहाँ पर आउट हो चुके हैं, गोबिन और राज का विकेट जाने थे, अकेन के ऊपर व्हाइट की मांग कर रहे हैं, अंपायर बता रहे हैं टप्पा खाने के बाद अंतर आया, कहीं ना कहीं किस्मत भी साथ मिलता हुआ सिबा दलवी का, गेंद थोड़ा सा अंदर आया, और सिबा दलवी अगर फिर से आ गई इस गेम में कुछ भी हो सकता है, कांटा बन सकता है फिर से, कांटा क्या बनेगा आगे देखिए, दो टीम अभी तक जो मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ सीधी जानकारी दे रहे हैं, आगे और दो टीम फंस जाएंगे और सिबा दल भी इस तीन टीम के बीच में, अगर देखा जाए तो मेरी नज़र से अगर तीन टीम रहती तो शायद एक चिट्टी से आगे जा सकती है और दो टीमों के बीच में मैच हो सकता है। अगर सिबा दल भी की टीम यहाँ से बाहर हो गई तो फिर दोनों टीम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो साफ सुथरा रह जाएगा, एक मैच कम हो जाएगा और आगे का रास्ता देखिए टीम के लिए आसान हो जाएगा। और देखते हैं अगर सिबा दल भी यहाँ मैच जीतते हैं तो जो हमने चिट्टी लकी ड्रॉ की बात की, टीम का स्कोर देखिए यहाँ से दो ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 5 रन, क्या जो हमने चिट्टी लकी ड्रॉ की बात की वो क्या आज किया जाएगा या आने वाला कल किया जाएगा, डिसीशन लेंगे यहाँ पर जो टीम है, मुझे शायद लगता है सर चिट्टी आज ही उड़ा लेंगे, शायद तय हो जाएगा कल कौन सी टीम को आके मैच खेलना है, अगर अलग कुछ वॉल आउट कराना है या कुछ शायद मैच रहेगा मुझे लग रहा है, अभी तक मैसेज देखते हैं जैसे निर्णय आएगा यहाँ पर इस मैच के बाद, अगर यहाँ से मोहित कंस्ट्रक्शन टीम मैच जीत गया तो फिर हमें ये सब जो चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा की कुछ बातें नहीं बनेगी, यहाँ पर रास्ता क्लियर हो जाएगा एकदम से, और जब लीग फॉर्मेट की मैच रहती है ना तो कहानी ऐसा बनी रहती है, पलटवार होता रहता है, जैसे कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट फिर बन जाएगा ट्विस्ट, भटकी हुई गेंद और यहाँ पर फंसे, ओहो एक हाथ लिए थे भाई यहाँ पर बहुत बड़ा भाग्य के साथ, कैच भी छूटा और चौका भी गया भाई, अनिल कोहली देखिए भाई एक मौका दिए थे यहाँ पर लेकिन मौका बना नहीं सके, ऐसा बहुत मर्तबा हमने देखे, मुंबई इंडियंस भी काफी मर्तबा ऐसा फंसा है, कोरी एंडरसन लेकर गए थे एक बार निकाल कर रन रेट के साथ 14 ओवर और 4 गेंद के अंदर मैच को कंप्लीट किए थे उन्होंने, कोरी एंडरसन के देखिए वो इनिंग अभी भी याद किया जा रहा है, और उसके बाद देखिए मुंबई इंडियंस ने फाइनल लेकर आए थे चैंपियन बनाता, आदित्य तरे हाँ बिल्कुल उन्होंने फिनिश किया था, छक्का धागे थे उनकी, सिक्सर को भी याद किया जा रहा है 95 कोरी एंडरसन ने खेले थे, लाजवाब यूसुफ पठान का भी एक इनिंग में भूला नहीं, उन्होंने भी केकेआर के लिए एक बार खेला था जहां पर हाईस्ट स्कोर से टीम सेकेंड पोजीशन पर आ गई थी, जहां पर दो ऑप्शन बन गया था मैच हारने के बाद फिर से वापस लिमिटेड मैच खेल सकते हैं, मौका दिए थे बहुत सारा मैचेस ऐसा हुआ है, नीलेश सर सिबा तलबी देखिए यहाँ पर शिकंजा कस रहे हैं, लगभग तय है और एक मैच अतिरिक्त खिलाया जाएगा शायद आज आज मतलब नीलेश सर मतलब हो गया ना आज का भाई
सुबह हो गया लगभग, आज ही खिलाया जाएगा, संडे आ हो चुका है भाई, डॉट गेंद निकलता हुआ। और अभी तक देखिए 10 रन बनाए, और ये चलिए पूरी जान डाल रहे हैं गेंदबाज, 3 ओवर में 10 रन, पूरी जोर है। घंटा 20 मिनट हो चुका है मैच शुरू होने में, देखिए अभी तक लगभग ले लीजिए आज 11 घंटे की ड्यूटी। होता है देखिए बहुत सारा, देखिए इसके लिए खर्च भी होता है, डीजल की कीमत भी देखिए बड़ी तेजी से। गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार, और ये चलिए भाई अब अनिल कोहली की चल रही है बंदूक से गोली, निशका 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 निशका। अथर्व कलब देखिए यहाँ पर कैमरा मैन हमारे उर्फ कलप्पा, क्या बात है, बहुत बढ़िया स्माइल देते हुए और कैमरा के देखिए पीछा कर रहे हैं, इनकी स्कोर पहुंच गया 16 रन। अनिल कोहली थोड़ा सा देखिए गियर बदले हैं यहां से, और एक बड़ा हिट खेलने गए थे क्या यहां पर, बल्ले का लिया था कोई किनारा, सिबा दल भी देखिए एकदम से विकेट के पीछे जड़ में, अनिल कोहली को आगे निकल कर कुछ मौका नहीं दे रहे, स्टेप आउट करके खेलने का, जगह से खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और एक सिंगल, रायगढ़ प्रीमियर लीग जहां पर सुधागढ़ टीम खेल रही थी, और उस दिन मेरी कमेंट्री का टन था, वक्त था निश्चित रूप से, और वहां से देखिए सुधागढ़ और शिबा दादा दल भी देखिए उस आवाज के साथ साथ हमें पहली मरतबा परली लीग में कमेंट्री के लिए आमंत्रण दिए थे, और उसके बाद पिछले सीजन में सुधागढ़ प्रीमियर लीग में मैंने ठीक मैचेस किया, नाइट मैचेस परली नाइट देखे देखने को मिला, उस पर भी 2 रात जुड़ा था। और ये चले भाई रन आने अब लग चुका है, और शिबा दल भी की चेहरे पर थोड़ा सा दबाव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये छक्का नहीं था जैसे लोकल ट्रेन में यहां पर धक्का खाना, और स्कोर को कहां पहुंचा दिया 23 23 रन, 40 के अंदर रोक लेंगे ना फिर भी खुश रहेंगे, कभी कभी देर रात में कहानी बदल जाती है। और यहां पर देखिए कैच लिया गया, शायद थोड़ा और टाइमिंग हो जाता तो फिर फील्डर को बीट कर जाते। भाई ये तो बैटर मुझे लग रहा है 7-8 छक्का लगा कर आएंगे, कॉर्नेल देखिए बात करेंगे, कॉर्नेल को कोई अच्छी तरह से पहचानते नहीं होंगे, वेस्ट इंडीज लीग खेलते हैं वो, इसी तरह की धाकड़ तगड़े, ये देखिए भाई आते ही पूरा ताकत लगा रहे थे 2.5 किलो का, लेकिन अनिल कोहली ने रन लेने को इनकार किया, स्ट्राइक रखना चाहते हैं। बैटर की बात करेंगे,
स्वप्निल देखिए भाई, और कहते हैं ना वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हमेशा देखिए ईमानदारी से क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल में। आज 23 इसको 23 23 रन बनाए, देखते हैं अनिल कोहली का सोच रहेगा कम से कम 40 तक पहुंच जाए। 40 तक पहुंच गए तो एक शुरुआत में दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिबात अली भी खुश रहेंगे 40 के अंदर अगर रोक लिए तो फिर भी, क्योंकि 30 गेंद के अंदर 35 37 38 रन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ये ओवर 20 या 22 का हो गया फिर थोड़ा सा देखिए यहां पर कहती ना तेरी बिंदिया उड़ा कर ले गई मेरी निंदिया, फिर नींद उड़ा सकती है। चलिए गेंदबाज तैयार, अनिल कोहली भी देखे स्ट्राइक पर, और ये चलिए जड़ में रख रहे हैं दूसरे के लिए भाई। क्या स्वप्निल भाग पाएंगे दूसरे के लिए, और ये चलिए भाई स्ट्राइक एंड में देखे थ्रो हुआ। सिबा नाखुश है, एक रन क्यों लुटाए भाई, स्वप्निल को टारगेट क्यों नहीं बनाए। सिबा जानते हैं एक एक रनों की अहमियत क्या होती है। सिबा दल भी देखिए पूरा एनर्जी लगा रहे हैं भाई, छोटा तीर घाव गंभीर ये खिलाड़ी देखिए, एक दावेदार रायगढ़ प्रीमियर लीग, पिछले सीजन क्या फॉर्म में था भाई बंदा, परली प्रीमियर लीग में भी शायद सीरीज बाइकर में साइकिल और इस बार देखिए सिबा दलवी को मौका, और अनिल कोहली देखिए बड़ा विकेट, खुश है सिबा दलवी क्योंकि शेर का हो गया शिकार, और कुछ दर्शक क्राउड देखिए यहां से छोड़ने लग गए हैं, जानते हैं अनिल कोहली का विकेट गिरना जो कुछ कहानी बची थी वो कहानी अब कुछ अलग दिखाई देगा। स्कोर स्कोर देखिए 25-25 रन, और एक बार देखिए अच्छा गेंद, और एक सिंगल, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार हैं, और बढ़िया बैकफुट से देखे कट खेला गया, और जब तक गेंद को रोक लेते तब तक देखिए यहां पर और एक सिंगल आता हुआ। कुल स्कोर की बात कर लेंगे 27-27 रन। सिबा की देखिए हर गेंद में कैसे आवाज, कितने फील्ड में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैच उनके लिए जितना। ओ चिकी सिंगल, स्वप्निल स्ट्राइक पर आए हैं, और गेंद कितनी बची है उनके सामने, एक गेंद बची है, और स्कोर 28-28 रन। अगर 6 भी आ जाते तो 34-35 एक लो फाइटिंग टोटल हो सकता है। कभी कभी कहते ना जहां चमत्कार है तो वहां नमस्कार है, लेकिन क्या स्वप्निल ये गेंद में बड़ा हिट लगाकर एक उम्मीद रखेंगे, या इस गेंद में रोकने के साथ। और ये चलिए हवा में खेल है, लेकिन सिंगल आने से खुश रहेंगे यहां पर दूसरे के लिए, लेकिन रन आउट। कुल 29 रन जीत के लिए 30 की जरूरत है, 30 गेंद 30 रनों की जरूरत है, बड़ा कमाल का कमबैक यहां पर कर गए। नीलेश नाइक सर जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स पर, आखिरी 30 गेंद 30 रनों की जरूरत है। नीलेश सर आपका भी तहदिल से शुक्रिया, और जिंदगी रही तो फिर से इसे मिलते रहेंगे, और सुधागर प्रीमियर लेके देखिए जितने भी और दीजिए टीम सभी का तहदिल से स्वागत, और जितने हमारे अंपायर पैनल से लेकर डीजे से लेकर लाइव टेलीकास्ट से लेकर क्राउड से लेकर
सभी का यहाँ पर शुक्रिया, और यहाँ पर जीतने वाली टीम को भी यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन बात देना चाहूंगा, हारने वाली टीम को भी शुभकामना रहेगी। सुधागढ़ प्रीमियर ले गया, 364 दिन फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं कमेंट्री बॉक्स पर, नीलेश नाइक सर फिर से एक बार जुड़ जाएंगे, इनके बार एक बार नहीं जितनी बार भी जुड़ जाऊं बड़ा अच्छा लगता है, वक्त समय कैसे निकलते जाता है। रोशन दादा वालगुड़े देखिए बात करेंगे, ऑर्केस्ट्रा सिंगर एक है, आवाज के जादूगर, 364 दिन देखिए। सिबा दादा दलवी, सिबा दादा आपका भी बहुत बहुत शुक्र गुजार करता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि नीलेश सर अगर मैंने सुधागढ़ नगरी में पहुंचा होना सबसे पहले सिबा दादा दलवी, इनकी तहदील से शुक्र अदा करना चाहूंगा। और सिबा दलवी देखिए शायद लग रहे थे जीत के यहाँ पर दहलीज पर हैं, अगर यहाँ से मैच वो जीतते हैं तो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन बात देना चाहूंगा। और सिबा दलवी भी चाहते थे बाबू 14 या 15 मेरी मैच अगर आओगे तो बेहतर रहेगा आपको वो तारीख, और जिसके कारण मैंने इस टूर्नामेंट में 15 तारीख आज की तारीख चुना। बॉल दिया मैदान और आज आता अपन सत्कार करूया आमचे हिंदी चे जबरदस्त द वॉइस ऑफ पनवेल बाबू शाह सर यांचे, इथे आपण हार्दिक सत्कार करूया कारण त्यांची उत्तम हिंदी आणि त्याच पद्धतीने आपण पाहतोय त्यांची असलेली प्रेक्षकांच्या मनातील घर करण्याची संधी, त्यामुळे त्यांचे इथे मनपूर्वक आपण हार्दिक स्वागत करूया व्यासपीठावर। काशिन दादा तिडके साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं मनपूर्वक इथे शुभ स्वागत करतोय। आपले कॅमेरामन त्यांना विनंती असेल की हा क्षण आपण टिपायचा आहे। इकडे बघा, धन्यवाद तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे लाडके समालोचक आणि हिंदीमध्ये त्यांना अत्यंत लगेच भेटतो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हा आठवडा म्हणजे अतिशय चांगला आठवडा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जन्मजयंती आणि काल अत्यंत उत्साहामध्ये ती आपण साजरी केली आणि याचा हा सुधागड प्रीमियर लीगचा हा चौथा पर्व आपण पाहतोय। 11 पर्व आणि 14 दिवस शेवटची ही लढत आपल्यासमोर प्रस्तुत आहे। मी निलेश नाईक आपलं स्वागत करतोय, घरची मॅच असल्यामुळे लास्ट स्टार्ट टू एंड गोलंदाजी मार्कवर रोहन राऊत आणि स्ट्राइक रेंडला आपण पाहतोय तो म्हणजे सोन्या रामभवांगरे आणि त्याच्या समवेत जॉईन झाले तो म्हणजे कप्तान शिव दळवी। तीस धावांची आवश्यकता आहे, मॅच मध्ये रंगत येईल का ते पाहूया आपण। अतिशय जोरदार अपील गोविंद साळुंके, अजित आपलं बाळाराम गायकवाड आपण त्याच पद्धतीने पाहतोय, अनिल कोळी असे नावाजलेली ही टीम, परंतु पाहिजे तशी म्हणावी तशी कामगिरी सिद्धेश झालेली नाहीये। आज सर्व काही त्यांच्या विरोधात घडतंय कारण पहिला जो सामना अनिल कोळी याने गमावला, अतिशय साधा सोपा हा सामना त्यांचा होता, त्यानंतर आपण पाहतोय प्रेक्षक काहीच इथे तुरळक उडलेत, उडाले ते मावळे राहिले ते आता मावळे असतील, सकाळची वेळ आहे। इथे मात्र निर्धाव चेडीची सांगता होते, सोन्या रामभवांगरे डावखरी आताचा फलंदाज आहे, चांगली कॅमेरा वर्क आपल्याला बघायला मिळते। अनेक संघ गौरव तिडके खूप दिवसानंतर आपल्याला भेटीस आलाय, यावेळी आडव्या बॅटनं ठोकलाय षटकार नो डाऊट, चांगला फटका 6 धावा।
सध्या तरी सुस्थिती दिसतोय, कारण त्यांच्याकडे चांगली खेळपट्टी आहे, चांगले फलंदाज आहेत, अजय देसाई सारखा मोहरा येणं बाकी आहे, त्याचमुळे की काय 30 धावा त्यांच्यासाठी सोपे आहेत, 24 धावांची आणखी गरज असेल. षटकार आला आहे मैदानावर, अनिल कोळी खेळाडूंचं मनोबल वाढवत असताना चांगला फटका, कॅप सिलेक्शन चांगला आहे, फटका सुंदर आहे आणि चौकार येतोय. सौरभ गांगुली स्टाईल हा चौकार येतोय आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या फुलते, पुढे सरकते ती म्हणजे बिनबाद 10. हे भक्ती गीत वगैरे आहेत का रे? नाही तर बाबासाहेबांचा एखादा घेतला रमाई ते आपलं गाणी आहे बघ. चांदण चांदण आमच्या रमाच नांदण. इथे मात्र मोठे फटके दोन आलेत सोन्याच्या बॅटमधून. इथे मात्र खराब बॉल, पंच वळतायत, वाईड येतोय, खूप बाहेर चेंडू पडल्यामुळे विकेट किपर सुद्धा गॅदर करू शकला नाहीये. 2 धावेने धावफलक पुढे सरकतोय, तो म्हणजे 12 या आकड्यावर. मानखोरे संघाचे संघ मालक कचिंद्रदा तिडके सकाळपासून आणि 3 दिवस इथे आहेत, उद्या सुद्धा ते असतील. शिवा दळवी सावध पवित्रा घेतोय, कोणतीच रिस्क घेत नाहीये तो. हा सामना त्या दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा आहे, डू ऑर डाय हा सामना आहे दोन्ही संघांसाठी. मजबूत संघ, अजित देसाई सूरज देशमुख आहे, पप्पे आहे, परंतु संघाला कुठेतरी उद्या स्वच्छ देवाला अगरबत्ती ओवाळून यावी लागेल. इथे मात्र ट्रेडमार्क शॉट, हा मात्र सुपला शॉट येतोय शिवा दळवीच्या बॅटमधून, षटकार. आणि हा बघा चंद्र, चंद्रवर 1.5 गुंठे जागा विकण्या आहे, संपर्क करा. धावसंख्या या षटकाराच्या मदतीने पुढे सरकते ते म्हणजे 18 या आकड्यावर. आणखी 12 धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाजी मार्कवर बाळराम गायकवाड सज्ज झालाय, त्याच्याकडे वाचवण्यासाठी खूप काही नाही आहे. आणि ज्यावेळी तुमच्याकडे वाचवण्यासाठी काही नसतं ना, त्यावेळी तुमच्यावर आक्रमण जास्त केलं जातं. पहिल्या 2-3 मॅचेसमध्ये त्याला संधी मिळणं गरजेचं होतं, कारण चांगली बॉलिंग तो टाकतोय. थोडंसं पेस आहे, व्हेरिएशन आहे, टप्पा चांगला आहे. पुढच्या SPL PPL मध्ये नक्कीच त्याला आपण पाहणार आहोत. अजित देसाई याचा अत्यंत जवळचा मित्र. यावेळी काय फील्ड, अरे बार, वा 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 वा, ही क्लिप व्हायरल झाली पाहिजे. वा काय जंप केली आहे बाळराम गायकवाडनी, आणि एक एक धाव वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं कसं असतं, संघर्ष म्हणजे काय आहे, आणि हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिकवलं. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं यांचा अनुयायी बाळराम गायकवाड, काय सुंदर झेप. आणि हा थोडासा क्रॉप करा, शब्बास, आणि पाठव मला पण. मात्र मी म्हणालो होतो की बाळराम गायकवाडला संधी मिळणं गरजेचं आहे, कारण चांगला गोलंदाज आहे माहीत आहे. आता शिवा हळूहळू धावा काढणार, नाहीतर एखादा मोठा फटका तो खेचणार. 11 धावांची आवश्यकता आहे. आणखी सर्व यूट्यूब वाल्यांची झोपण्याची राहण्याची व्यवस्था निर्माणामध्ये करण्यात आलेली आहे, 3 BHK फ्लॅट त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. मी म्हणालो होतो की काहीतरी मोठा फटका खेळेल शिवा, आणि इथे मात्र शिवाला परतावा लागेल. गडी बाद होतोय, बाळराम गायकवाडला मिळतंय यश.
बाणराम गायकवाड ने आपलं काम केले, नक्कीच त्याला मोठा फटका आला नाही आहे. एकच धाव त्याने खर्च केली, धावफलकावर धावा, 19 या आकड्यावर आणखी एक ओव्हर मॅच लांबेल हे मात्र नक्की आहे. षटकार प्लॉट मध्ये आलाय आणि तो आता गुंठ्यावर पाठवलाय. षटकार डीजे. चांगला फटका आलाय रॉयने, लगेच व्हिडिओ इथे आम्हाला पाठवली. चांगला फटका, गॅप सिलेक्शन, खराब फिल्डिंग आणि इथे मात्र विजय. धाव होईल का? चौकार आलाय आणि इथे मात्र धावसंख्या धावफलकावर एका धावेची आवश्यकता. आता ठोक डीजे, नंतर आपण सुद्धा निरोप घेणार आहोत. पाच कौतुक करूया. हा सामना विजयश्री संपादन करतोय, काशनदत्ता तिडके आणि शरददत्ता बोडके यांचा संघ. दोघांचंही अभिनंदन करूया. अतिशय मेहनत संघ मालकांची प्रत्येकाची राहिलेली आहे, तर सर्व संघ मालकांचं कौतुक करूया. कारण मी मॅचला असलो की सगळ्यांची नावं घेतो, कारण जेणेकरून त्यांचं योगदान लोकांपर्यंत पोहोचणं अत्यंत गरजेचं आहे. एका धावेची गरज, अम्ब्रेला फिल्डिंग आपल्याला बघायला मिळते इथे. सोन्या रामभाऊ आंग्रे थांबत नाहीये, अनिल कोळीच्या डोक्यावरून षटकार आणि इथे सामना फिनिश केलाय. तो म्हणजे सोन्या आंग्रेनं आणि आता इथे मात्र आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत.